हेलो फ्रेंड, मैं देखो बोतलों का ढेर दिख रहा है ना आप लोगों को। आज मैं इनका करने वाली हूँ इनमें कुछ क्रिएटिविटी। तो पहले मैं इसकी सारा ये निकाल देती हूँ। मैंने देखा था रील्स में, पहले मैं दो बोतलों को करके देखती हूँ कटते नहीं कटते हैं। चाकू से गलत कर रही हूँ ना, चाकू से कट भी नहीं रहा। बहुत टफ हो रहा है काटना। क्या करने वाली हूँ ऐसे ही मैं सबके लिए करूंगी। देखो गाइस, इतनी तो मैंने कटिंग कर दी है। अभी अभी मैं लंच करने जा रही हूँ, फिर उसके बाद वापस आके फिर करती हूँ इनका काम। बताऊंगी आपको क्या करने वाली हूँ मैं इनमें। वैसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या करने वाली हूँगी। मैंने लंच कर लिया है, बहुत टाइम लग गया ना। एक्चुअली क्या है, मम्मी और आज हॉस्पिटल गए थे और मौसी की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मौसी को भी देखने गए थे, नानी को भी देखने गए हैं, मामा की लड़की की भी तबीयत ठीक नहीं है। तो आज वहाँ देखने चले गए तो घर पे कोई नहीं था। तो मेरी छोटी वाली सिस्टर ने लंच बनाया था, उसने पुलाव बनाया, और मैंने तो खैर सुबह झाड़ू मार दिया था, रोटी बना दी थी। और रोटी बना के मैं फिर अपना, मेरा जो ट्राईपॉड था वो लूज़ हो रहा था, उसकी जो कसने वाला पॉइंट था वो लूज़ हो रहा था, तो मेरे को वो ठीक करवाने जाना था। फिर मैं इधर आ गई, फिर मैं दो चार बोतलों की कटिंग करी, ठीक है। फिर अभी कटिंग ही चल रही है। तो फिर क्या है ना, मिर्च छोटी सिस्टर का फास्ट है, और फिर किचन साफ़ करनी थी, तो मेरी छोटी सिस्टर आती फिर खाना बनाएगी। तो खाना बना के मतलब आराम से, इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मैंने अभी से ही किचन साफ़ करके रख दी। किचन साफ़ कर, उसी में मुझे आधा घंटा लग गया था क्योंकि बहुत सारे बर्तन थे। फिर हम सारा साफ़ सफाई करते हैं, यानी जैसे गैस हो गया जिसमें खाना बनता है, सारा एकदम साफ रखना होता है। सारा कूड़ा उठाना पड़ेगा। घर पे अभी कोई भी नहीं है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, क्या करना, ऐसे ही टाइम पास किया जाएगा। तो फिर इसमें मुझे बोतल कट करने में भी मज़ा आ रहा है। तो गाइस अभी तो मैं इतने में ही करती हूँ, काफ़ी सारा मेरे पास हो चुका है इकट्ठा। देखो मैंने काफी सारा कर दिया है, अब मैं इसमें मिट्टी भरूंगी एक एक करके। लोग बोलेंगे पागल हो गई, दिन में पता नहीं क्या कर रही है अपने खेत में बैठ के। इस लड़की का ऑफिस ऑफिस नहीं है, तो उनको नहीं पता ना मैंने छुट्टी ले रखी है उस टाइम की। अब मैं इनमें चेक करूंगी हर एक चीज़ से। तो गाइस देखो, मैंने इस तरीके से बॉटल को कट किया था, उनका नेक वाला पार्ट, और अभी इनमें मैंने मिट्टियाँ भर दी हैं। पर अभी मुझे इनमें छेद करने हैं, तो छेद करने के लिए भी मुझे कुछ मिल नहीं रहा है।
मैं शायद सोच रही हूँ कंपस से करूँ, ये इससे करूँगी तो शायद ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना, तो मैं कंपस से करूँगी। तो अभी इनके लिए मैं जो मैंने सोचा है इसमें लगाने के लिए 9-12 वाला फ़ोन, आप पता नहीं आप लोगों को पता होगा कि नहीं पता होगा उसको क्या बोलते हैं, मुझे तो जहाँ तक पता है कि उसको 9-12 बोलते हैं, तो मैं उसको कट करके लाती हूँ। तो मेरे वो छत पे लगे हैं गमलों पे, तो मैं उनको कट करके लाती हूँ, तो लेके जाती हूँ आपको छत पे। तो ये देखिए, ये मैं कैंची से कट करने वाली हूँ इनको, ये है जो मैं लगाने वाली हूँ, देखिए। तो गाइस मुझे नहीं पता ये आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, पर मैं इस तरीके से इन्हें काटने वाली हूँ, ये ऐसे। मैंने कितने एक कट कर दिया है, ढूंढ रही हूँ, दो, इनको काटो ही दोबारा हो जाता है। की कटिंग कर ली थी, ये देखो ऐसे। तो इसको ना अभी कुछ टाइम के लिए, पर इसमें छेद भी तो करना होगा ना, तो मैं ऐसे इसमें देखती हूँ एक बार छेद करके, छेद होता है या नहीं होता, मुझे पहले ही कर देना चाहिए था। यहाँ पे करूँगी, यहीं पे कर दूँगी छेद तो। अभी मैं इसको यहाँ पे ऐसे खोद के लगा देती हूँ, ठीक है। तो अभी जैसे मैं इसे ठीक है, एक ही लगा दिया, दिख रहा है ना मैं कैसे लगा रही हूँ। गाइस मैंने छुट्टी ले रखी है ना, इसलिए ये सब कर पा रही हूँ। बहुत टाइम से मैंने अपने को टाइम नहीं दिया था, सब इधर उधर इधर उधर दौड़ा भागी, सब ऐसे ही हो रहा था, तो मैंने कहा चलो एक्सप्लोर किया जाए खुद को। तो ये बेसिकली ब्लॉगिंग भी मैंने तभी शुरू करी है, मैंने कहा कुछ नया किया जाए। मैं ट्विटर पे भी एक्टिव रहती थी बहुत ज़्यादा, पर क्या है ना अपने को कुछ टाइम ब्रेक देने के चक्कर में मैंने उसे डीएक्टिवेट करा और अब मेरा अकाउंट डिलीट ही हो गया। ट्विटर की यही पॉलिसी है, अब तो आपको पता ही है ट्विटर का नेम भी चेंज हो गया एक्स ऐप करके। तो उसमें क्या है ना, आप अगर जैसे हम इंस्टाग्राम पे कितने भी टाइम तक अपने को डीएक्टिवेट कर रख अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करके रखेंगे, तो अगर आप दोबारा रीएक्टिवेट करना चाहेंगे तो वो रीएक्टिवेट हो जाता है। पर ट्विटर में ऐसा नहीं है, मैक्स टू मैक्स ट्विटर 30 डेज तक आपका देता है आपको कि ये इतना टाइम ड्यूरेशन है, इतने में तुम अपना अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना, अदरवाइज ये अकाउंट डिलीट हो जाएगा परमानेंटली। और अब मेरे उस वाले अकाउंट में, ट्विटर अकाउंट में, मैं उसको एक्सेस करना चाह रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा उसको एक्सेस करने के लिए कुछ भी। और मेरा तो बहुत कुछ है उसमें, मेरी बहुत सारी इम्पोर्टेंट पोस्ट थी, बहुत कुछ था, बहुत कुछ। ये वाली गलती गाइज आप लोग मत करना, मैं तो कर चुकी हूँ एक बार। तो मज़ा आ रहा है, मम्मी बोली है क्या टाइम पास कर रही है यार इसमें ना। अभी मुझे छेद करना है, छेद करने के लिए ना मुझे कुछ ढंग की चीज़ सोचनी पड़ेगी। ये मैं इसलिए लगा रही हूँ ना क्योंकि अभी ये टिक नहीं रहा है, इसके लिए रस्सी चाहिए होगी। अच्छा हो जाए,
फूल अच्छे लगते हैं, मूड भी अच्छा करते हैं फूल। मेरे आस पड़ोस के लोग भी बोल रहे होंगे क्या पागल लड़की है, क्या कर रही है, इससे अच्छा तो जमीन में लगा देती। पर क्या करें, इंजीनियर ऐसे ही होते हैं पागल थोड़े से। ठीक है, अभी आज मैंने क्या किया, आज मैंने अपने लिए चाय बनाई, और चाय बनाते टाइम मैंने चीनी का डब्बा उठा के फ्रिज में रख दिया। इतना दिमाग नहीं चल रहा था उस टाइम पे, पता नहीं क्या ही चल रहा था कि हाँ फ्रिज का डब्बा होता होगा, ये मुझे लग रहा है सभी के साथ, मेरे साथ ही नहीं सभी के साथ होता होगा कि कभी भी, मतलब बस टच वुड मैंने अभी तक ये काम नहीं किया है कि चीनी के बदले नमक डाल दिया चाय में, तो ये वाले काम तो नहीं करे हैं। हाँ, पर आज गलती से हो गया। तो ये चाय अच्छी बनती है, मेरे पापा को पसंद है मेरे हाथ की चाय, और अभी तक जितने भी गेस्ट आए हैं सबने तारीफ ही करी है मेरी चाय की। मुझे नहीं पता वो मन रखने के लिए करते, पर मुझे ऐसे लगता है जब मेरे पापा, अब पेरेंट्स भी बच्चों का दिल रखने के लिए कर ही देते हैं तारीफ ना, बाहर वाले भी ठीक ठाक ही बोलते हैं कि अच्छी बनाती हूँ चाय, तो इसका मतलब ठीक ठाक ही बनाती होंगी ना, ज़्यादा अच्छी तो नहीं पर हाँ ठीक ठाक। ये तो हो गया डन कि ये तो होगा नहीं, इसको कट करना पड़ेगा। ये सब करने का क्योंकि मेरी छुट्टियां भी खत्म होने वाली हैं, तो ये देखो गाइस मैंने इस तरीके से बॉटल में लगा दी, और अभी नहीं मैंने मिट्टी में गाड़ दी है, बॉटल का जो ढक्कन था उसके मुंह से मैंने उसको ज़मीन में गाड़ दिया है अभी कुछ टाइम के लिए, और क्योंकि जब तक ये सेट नहीं हो जाता ना कि मुझे लग जाए कि हाँ ये मिट्टी में प्रॉपर दब चुके हैं, तो मैं इनको ऐसे ही रखूँगी। फिर जब ये हो जाएंगे तो मैं इनको ट्राई करूँगी कि रस्सी में, मतलब ऐसे छेद करके हल्का हल्का रस्सी में लटका के छत पे रख दूँ, तो अभी तक तो मैंने यही सोचा है इनके साथ करने का। तो ये देखिए गाइस, तो ये मेरा आज का था, और अब मैं इनमें पानी डालती हूँ, पानी ले लेते हैं, पानी हम रखते ही हैं यहाँ पे बाल्टी में। ये इस तरीके से पानी डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा इनमें, ये हो रही है माता हमको पानी निकालने की जगह तो दे दो। देखो तरीके से मैंने पानी तो डाल दिया है सब में, और कहाँ जरूरत है, और नहीं अभी फिलहाल के लिए इतना ही पानी डालती हूँ। ये देखो ये बैंगन का पौधा लगाया अभी हमने, वो डहेलिया का है, ये ना गुलाब का पौधा है, इसमें ना गाइस आज का बता दिया मैंने, ये आज की मेरी कलाकारी थी जो मैंने कर दी है, जो मुझे बताना था आज। और मैंने सोचा था ही का, मैंने रील्स भी देखी थी बहुत दिन पहले, पर मुझे मिल नहीं रहा था क्योंकि इसके लिए नायलॉन की रस्सी चाहिए अटकाने के लिए, लटकाने के लिए, अटकाने के लिए। तो आज के ब्लॉग में तो मुझे मिल गया है ये, और क्या सोचा अभी मैंने, कल के लिए कुछ भी नहीं सोचा है, कल का मैं कल ही सोचूंगी।
और आज क्या है, वेडनेसडे है ना, अभी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे से मेरा फिर से ऑफिस शुरू हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलो जो बच्चे के काम है वो निपटा लेती हूँ अपने। तो अभी क्या है, मैं दो चार शॉर्ट्स क्या है, मिल नहीं रहे हैं एक तो मुझे आजकल, क्योंकि मैं घर से बाहर जा नहीं रही हूँ, बहुत कम जाती हूँ बाहर, और जब जाती हूँ तो ऐसे होता है कि फ़ोन नहीं निकालूँ, ऐसा मन होता है मेरा। पर अब ब्लॉगिंग करिए तो फ़ोन की ज़रूरत तो आपको चाहिए, आपको तो एक्टिव रहना पड़ेगा। ऐसे ही होता है हम जैसे लोगों के साथ, मैं मतलब जैसे दोस्तों के साथ जाती हूँ तो मैं ज़्यादा किसी को परेशान नहीं करती कि यार मेरी फ़ोटो खींच, मेरी फ़ोटो खींच, तो मैं ऐसा नहीं करती कुछ भी, पर अब मुझे करना पड़ रहा है। और ट्राई करूँगी कि नहीं परेशान करूँ ज़्यादा किसी को, बस सिर्फ ब्लॉग करने के लिए उनको थोड़े से मेहनत करनी, उनको उनके सामने थोड़ा हाथ जोड़ने पड़ेंगे मुझे कि हाँ प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो बना दो मेरा, मुझे अपलोड करना है। यही है तो मैं आज के लिए गाइस इतना ही। मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको ये वाला आइडिया अच्छा लगे तो आप भी इसको ज़रूर अपनाइए, खासकर जिनको प्लांटिंग का ऐसे शौक है, फूल वूल लगाने का। मुझे तो फूल लगाने का बहुत शौक है, बस मिट्टी से ना खुजली होती है हाथ में बहुत ज़्यादा बाद में, क्योंकि बचपन में किया था नानी के यहाँ पे काम, नानी और दादी के यहाँ पे। बड़े होके तो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मिट्टी में जो काम नहीं किया, तो अब ऐसे छाले वाले भी पड़ जाते हैं हाथ पे। तो बस यही है, तो बताइए आपको कैसा लगा, कमेंट करिए। अगर आपको अच्छा लगे मेरा आइडिया जो भी मैं ये कर रही हूँ, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। आज के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, नमस्ते।